तो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल वर्मा और मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे आप खुद कहेंगे कि क्या ट्रिक बताइए भाई। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप की तरह ही फेसबुक मैसेंजर में डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आप अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है मैसेंजर। मैसेंजर पर आने के बाद आपको अपना मैसेंजर अपडेट कर लेना है। हालांकि आप देख सकते हैं मैंने अपना मैसेंजर पहले ही अपडेट कर लिया है, तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। अपनी प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का, इसे ओपन कर लेना है। इसमें आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे जाना है। नीचे जाने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट अलर्ट्स का बेल आइकन के साथ, उसे ओपन कर लेना है। लॉगिन अलर्ट्स में आने के बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा मैसेंजर का, ये ऑफ होगा, आपको इसे ऑन कर लेना है। गेट नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन का और क्लियर डाटा कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। उसके बाद आपको अपना मैसेंजर दोबारा से ओपन करना है। दोबारा से ओपन करने के बाद आपको किसी भी चैट में चले जाना है, जैसे कि हम इसमें चले गए, और आपको कोई भी मैसेज टाइप करना है और उसे सेंड कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिमूव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और आपके में डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि रिमूव फॉर एवरीवन का, इसे रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी न्यू एंड लेटेस्ट ट्रिक। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।